जय हिंद दोस्तों, मैं संपूर्ण भारत की यात्रा कर रहा हूँ विदाउट मनी, बिना पैसों की। अभी मैं गुजरात के बमरनौली गांव में हूँ और यहाँ से राधनपुर कम से कम 30 किलोमीटर है। और मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, हाईवे से गुजर रहा हूँ और ये देखिए, ये छोटा सा एक मंदिर है और यहाँ ये देखिए जय श्री राम का पूरा झंडा लगा हुआ है। बहुत अच्छा लगा दोस्तों, और जो हिंदू भाई हैं उनके लिए और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हाईवे में यहाँ पूरा मुस्लिम एरिया है ये, और ये हिंदू टेंपल मिला यहाँ देखिए, जय श्री राम। हिंदू तो टेंपल मिलता है बट ऐसा मतलब ये आरएसएस का जय श्री राम है। तो भाई के लिए एक फॉलो बहुत मोटिवेशन का काम करता है, तो एक फॉलो ज़रूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। जय हिंद दोस्तों, मैं संपूर्ण भारत की यात्रा कर रहा हूँ विदाउट मनी, बिना पैसों की। अभी हम मैं ये कौन सा गाँव है, और अभी हम भगवती मेडिकल स्टोर में हैं ये देखिए। और भैया हमारा है तो कि मैं तो अंडर पियर लिया तो उसका पेमेंट के लिए, और ये देखिए हाईवे है ये, इस साइड में साइकिल खड़ा किया था, अंडर पियर लेना था। और यहाँ से अभी तीसरा कम से कम 20-25 किलोमीटर है जाएँगे हम। सभी लोग हैं ये भैया हैं, तो हेल्प के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भैया का यही मेडिकल स्टोर है, जितने भी हमारे इधर से फॉलोअर्स आप देखते हैं ये वीडियो हमारा, तो आके यहाँ ले ले सामान, हमारे लिए कुछ कंसिस्ट कर देंगे, है ना भैया। चलिए थैंक यू, बोलिए कुछ बोलना चाहेंगे भैया। बढ़िया चले बोल रहे हैं कि भैया थैंक यू भैया, चाय भी ले आते हैं, चाय भी हो गया वो सब तो आ जाएगा। चले थैंक यू दोस्तों, अभी हम दांतेवाड़ा के बाकरौल चौराहे पे हैं और ये भैया थे देखिए, यही भजिया खाया, ये जो पकौड़ा है ये खाया, और भैया को पैसा ले रहे हैं भैया, भैया बोल रहे हैं नहीं लेंगे, इसके लिए धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, ये पकौड़ा बना रहे हैं, ये पहली बार हमारे इधर जो बनता है ना वो उसमें से प्याज डाला जाता है, यहाँ ये पकौड़ा जो बना है इसमें से भाजी वगैरह डाले, साग डाले हैं, इसको क्या बोलते हैं, टिकड़ी भजिया है, टिकड़ी भजिया, कुकड़ी भजिया, टिकड़ी भजिया। तो ये हाँ, ये शक्ति नाश्ता हाउस है, श्री शक्ति सिकोतर नाश्ता है, ये टिकड़ी भजिया बना रहे हैं देखिए, उसको छानते हैं, वो छानते हैं इसके बाद निकालते हैं, फिर कुटाई भी करते हैं। तो चलिए थैंक यू भैया। दोस्तों अभी मैं ये मंदिर आया हूँ, ये देखिए मंदिर है और यहाँ भंडारा चल रहा है, ये भैया हमको ले जा रहे हैं खाने के लिए, और खाना खाएँगे। ये मंदिर है देखिए, अभी स्थापना मंदिर का चल रहा है और ये पूरा भंडारा है, यहीं हम खाएँगे अभी, इसके बाद रुकेंगे, कल जाना है हमको। फिर ये देखिए बहुत सारा बन रहा है, ये पूरा ये मिर्ची, इतना मिर्ची खाते हैं लोग, ये पूरा मिर्ची तराई हो रहा है, उधर लोग बर्तन सफाई कर रहे हैं इधर। तो दोस्तों नहा धो के हम कंप्लीट हो गए, ये देखिए हनुमान जी का मंदिर है, यहीं हाईवे पे जा रहे थे हम, पीछे रुके हुए थे बट वहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम था, अभी मानस कीर्तन चल रहा है तो वहाँ दिक्कत थी, और यहीं पे रुकेंगे, भैया मिले हमारे साथ। और वहाँ से दीसा गांव है भैया का, है ना भैया, वहाँ मंदिर था, मैं नहीं गया, पहाड़ में बड़ा बड़ा चट्टान देख के मैं बोला शायद गिर जाए कहीं, और ऐसा चट्टान इतना बड़ा बड़ा है, स्कूल नीचे है, शायद हो सकता है अभी गिरा तो नहीं है। आपका क्या नाम है भैया? कल्पेश सिंह। भैया को सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और यहीं रुके हुए हैं भैया, आए थे इधर, कहाँ से आए हैं? चित्रांश, हाँ चित्रासनी गए थे भैया, और चित्रासनी यहाँ से 2-3 किलोमीटर और है ना, तो नहीं गया मैं, यहाँ स्थान है ये, यही मंदिर है, आज यहीं रुकना है, इसके बाद सुबह यहाँ से चलना है। अभी नहा धो लिया, सुबह की टेंशन ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ठंडी इधर थोड़ा सा ज़्यादा तो पड़ता नहीं है, बट इधर जो पहाड़ी इलाका है ना आप, तो इधर सिंचाई वगैरह ज़्यादा हो रहा है। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं, यहाँ ये रेगिस्तान है, बालू जो देख रहे हैं ना, लेकिन यहाँ जो है आधुनिक कृषि बहुत ज़्यादा हो रही है, यहाँ लगता है सब्जी की खेती ज़्यादा करते हैं,
है ना, लगता है पूरे गुजरात में सब्जी यहीं से जाती है, सब्जी यहाँ ज़्यादा मैं देख रहा हूँ, मतलब पूरे जो है आधुनिक खेती कर रहे हैं यहाँ पे। हैं हाँ, तो बालू है पूरा, देखिए बालू है, हमारे इधर तो ऐसे में ना लगाते, बोलते इसमें होता नहीं, लेकिन यहाँ सब होता है। देखिए उधर से पूरा लगाए हुए हैं, पूरा फेंचिंग वगैरह पूरा इधर अपना अपना पूरा फेंचिंग लगाए हुए हैं, रूंधे हुए हैं अपनी बाउंड्री, अपना हाथ पूरा, और आधुनिक स्प्रिंकल जो सिस्टम होता है वो उपयोग ज़्यादा करते हैं यहाँ, क्योंकि पानी कम लगता है, उपजाऊ ज़्यादा होता है, तो पानी का भी बचाव करना है, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका पूरा है ना भैया। तो ठीक है, चलिए, हम जैसे ही माउंट अबू थोड़ा सा बोल रहे थे दिक्कत होता है वहाँ, इसलिए नहीं गए, और कल जाएंगे तो दिखाएंगे जो आदिवासी इलाका है, थोड़ा खींचतान करते हैं रात में, तो पीछे जो माउंट अबू का है, और कल शायद पहुँच जाए माउंट अबू, तो जैसा रहेगा अपडेट कराते रहेंगे, वीडियो पे बने रहिएगा। बहुत अच्छा लग रहा है, रोज साइकिल से स्कूल जाते हो? अच्छा, ऐसे ही चलाना साइकिल, दूसरों को भी बोलना चलाओ साइकिल, है ना, क्या बोलोगे? साइकिल चलाओ और हेल्थ को, शरीर को स्वस्थ बनाओ, है ना। हाँ, और मैं साइकिल यात्रा कर रहा हूँ, कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है? अच्छा, है मेरा नाम, यूट्यूब चैनल है आनंद ट्रेवल ब्लॉग। चॉकलेट खा लिए, दिया था जो, खा लिए? हाँ ठीक है, थैंक यू। दोस्तों अभी हम पेट्रोल पंप पे हैं, फ्रेश वगैरह हो गए हैं। ये भाई हमारा चैनल को सब्सक्राइब किया, क्या नाम है तुम्हारा? किरण भाई है, और ये सर सफाई का काम करते हैं, मतलब इसके वेंजर वगैरह हैं, मतलब पूरा क्लीनर हैं। तो यही गांव है आपका? चलो, साइकिल यात्रा के बारे में क्या बोलोगे? अच्छा है। हाँ, तो ये दोनों, ये भाई इसको चॉकलेट दिया और भाई सब्सक्राइब किया, थैंक यू भाई सपोर्ट के लिए, और हर हर महादेव, जय श्री राम।